हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सबके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है कि यार MPSI का एग्जाम जो 23 तारीख को होने वाला है उसमें हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम बचा है, सिर्फ 20 दिन का, और इन 20 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। देखिए, अगर आपको दूसरों से बेटर सिलेक्शन चाहिए या फिर आपको दूसरों से बेटर मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कितने नंबर के लिए कर रहे हैं, 200 मार्क्स के लिए। अब अगर आपको भी वही सेम तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स भी कितने आएंगे, वही एवरेज स्कोर आएगा, और जो 155 का आंकड़ा है वो हो सकता है आपसे क्लियर ना हो। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम 150 मार्क्स के आंकड़े को क्लियर कर जाएं और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेंगे दो सब्जेक्ट्स, और दो सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से होंगे, आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी टॉपिक की हम बात करी जाए तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो। देखिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यापम कभी हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन नहीं करता कि भाई ये मैथ्स वाला का पार्ट है और ये रीजनिंग वाला पार्ट है। यानी कि हो सकता है कि रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको एक या दो क्वेश्चन मैथ्स के दिख जाए, इस तरीके से मैथ्स में हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के दिख जाए। तो ओवरऑल मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो जो मिला के आएगा वो आएगा आपका 45 मार्क्स, और इन 45 मार्क्स की बात करी जाए तो MP में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, हम लोग यहां से जब कोचिंग देते हैं और हमें पता है कि स्टूडेंट किस तरीके से बिहेव करता है, तो MP में जो ट्रेन चलता है उसमें लोग मैथ्स और रीजनिंग को इग्नोर करके चले जाते हैं। तो यही जो नंबर है, यही जो मार्क्स है वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि मैथ्स प्लस रीजनिंग एक ऐसे सॉलिड मार्क्स हैं कि व्यापम का पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर देख के। उसके अलावा अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो हो सकता है कि आपको 45 में से 45 मार्क्स पूरे मिल जाएं, क्योंकि यहां पे 45 में से 45 मार्क्स आपकी श्योर शॉट है। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो, और ये आप तैयार कैसे करेंगे उसके लिए भी हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से और पूरे नेक्स्ट वीक में, विद इन द नेक्स्ट वीक हम ला रहे हैं आपके लिए 3 घंटे का सेशन, जिसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, शेड्यूल बनाया जा चुका है, बस आपके लिए लेक्चर डिलीवरी बाकी है। तो वो पूरा नेक्स्ट हफ्ते में होगा, और नेक्स्ट हफ्ते में हम क्या करेंगे, हम आपके लिए 3 आवर का एक सेशन लेके आएंगे, और 3 आवर में सेशन में लगभग हम आपसे 100 से 110 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इन 100 से 110 क्वेश्चन से क्या होगा कि जितनी वैरायटी आपके पास आने वाली है आपके MPSI के पेपर में वो सारी की सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि 2016 के जितने क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन सेट्स है, यानी कि मध्य प्रदेश SI के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सेट है वो आपको सारे के सारे सॉल्व करना पड़ेंगे सिर्फ उस सेशन के बाद, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि हम सेशन में आपको सारी की सारी ट्रिप्स एंड टेक्निक्स बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको 2016 के जितने सारे MPSI के सेट हुए उनको कंप्लीट करना है। तो आपको ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको पहले। चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी आएगी आपको 70 नंबर की। देखिए, मध्य प्रदेश SI का अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत डिटेल में चालू कर दीजिए। दिन में 3 घंटे डिवोट करना है आपको, दिन में 4 घंटे डिवोट करना है, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, लेकिन हिंदी हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश SI में पूरा का पूरा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हिंदी होगा, क्योंकि हिंदी आएगी आपकी 70 नंबर की, और हिंदी आपकी 70 नंबर की सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं आएगी, काफी डिटेल में हिंदी आती है मध्य प्रदेश SI की अगर हम बात करें तो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लूसेंट की हिंदी वाली बुक रेफर कर सकते हो। इसके अलावा व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसके आपको सारे के सारे पेपर सॉल्व करना है, यानी कि हिंदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको जब एग्जाम देने जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। इस तरीके से आप 70 नंबर की हिंदी कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कि मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं क्यों नहीं कर रहा। देखिए, बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे GS हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या फिर साइंस हो गया, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें जो सामने वाला स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है वो एवरेज मार्क्स तो स्कोर करता ही है। यानी कि अगर हम
व्यापम की बात करें तो व्यापम में जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो इंग्लिश में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इंग्लिश के, तो 30 में से आप 17 से 18 क्वेश्चन तो सही कर ही दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप एवरेज मार्क्स स्कोर करते हो। और हम सबको आदत पड़ गई है कि भाई हम व्यापम के पेपर जब भी देने जाते हैं तो हम एवरेज मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं। इस तरीके से जीएस और एमपी की अगर हम बात कर ले, तो जीएस और एमपी में एमपी का जो पार्ट आने वाला है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एमपी का जो एमपी की जो एग्जाम हो रहा है, यानी कि एमपी वाला जो पार्ट आपके सामने आ रहा है, उसमें क्वेश्चन इतनी डिटेल में पूछे जा रहे हैं कि वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो आपको करंट अफेयर में मिलेंगे ना ही आपको किसी साइट पे मिलेंगे। क्योंकि जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, या फिर कोच कौन है, या फिर बहुत डिटेल से डिटेल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे आप क्या करोगे, एवरेज मार्किंग आप स्कोर करोगे, जितना नॉर्मल स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं वहां पे आप स्कोर करोगे। लेकिन आपको डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करना है, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है 70+45, यानी कि 115 मार्क्स में आप यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करोगे। 115 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने, 115 में से अगर आपने 100 मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर कर लिए ना, तो बाकी बचा हुआ जितना पार्ट है उसमें से आप 55 नंबर आप आराम से स्कोर कर लोगे, क्योंकि वहां पे आप नॉर्मल ऐसा अटेम्प्ट करके आते ही हो ताकि आप मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के बराबर आ जाओ। लेकिन आपको जो एक्चुअल में मेहनत करना पड़ेगी, वो मेहनत कहाँ करना है, इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें से भी एक सब्जेक्ट हम आपका पूरा का पूरा संभालने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना पड़ेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी पेनेकल टीम आपको लेक्चर डिलीवर करेगी नेक्स्ट हफ्ते में। इसके अलावा जो बाकी बची हुई हिंदी या हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक पूरे का पूरा सेट प्रोवाइड कर सकें, जिसमें हिंदी के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा हम आपको एटलीस्ट एक मॉडल पेपर दे सकें, ताकि आपकी एटलीस्ट तैयारी हो जाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको हमसे जुड़े रहना है, और पिनाकल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारे सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर कोचिंग मिल सके किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और इसी सीरीज में हम आपके लिए आगे भी लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।